और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा में इजराइल की सेना ने हमास की 10 किलोमीटर लंबी सुरंग ढूंढ निकाली है जो एक अस्पताल और एक विश्वविद्यालय के नीचे से गुजर रही थी। आईडीएफ का एक बहुत बड़ा दावा यह है कि सुरंग से हथियारों और लड़ाकू उपकरणों के लिए भंडारण सुविधा यहां पर मिल गई है। इसके साथ ही सुरंग में छोड़े गए शवों सहित कमरे भी मिल गए हैं। बताया गया कि सुरंग गाजा पट्टी के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गाजा में इजराइल की सेना ने हमास की 10 किलोमीटर लंबी सुरंग ढूंढ निकाली है। आपको याद होगा इस युद्ध की शुरुआत से ही ये बताया जा रहा था कि हमास ने अपने ठिकाने सुरंग के नीचे बना लिए हैं। अब एक सुरंग ऐसी ही ढूंढ निकाली है और ये सुरंग एक अस्पताल और एक विश्वविद्यालय के नीचे से गुजर रही थी। आईडीएफ का दावा यह है कि सुरंग से हथियारों और लड़ाकू उपकरणों के लिए भंडारण सुविधा कैसे वहां पर रखी गई थी इसका पता चल गया है। तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, 10 किलोमीटर ये लंबी सुरंग है जिसका पता अब आईडीएफ ने लगा लिया है।